हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो शाम का टाइम हो रहा है और मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की है शाम से, तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज मैं बनाऊँगी शाम को सरसों का साग बनाऊँगी, हरा साग, मेथी पालक का बनाऊँगी, सॉरी सरसों का नहीं। तो मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी। और मैंने आज अपनी वीडियो स्टार्ट की है शाम से। अभी मैं आई हूँ ऊपर छत पे शाम के टाइम तो कपड़े उतारने के लिए। तो बस अभी मैं कपड़े उतार लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपके साथ करूंगी साग की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं कपड़े उतार लेती हूँ ये अपने। उतार के मैं नीचे आ गई थी। अब ये मैं काट रही हूँ सब्जी, ये मैं सुबह के लिए काट रही हूँ शिमला मिर्च, क्योंकि सुबह को फिर टाइम नहीं होता इतनी जल्दी, सब्जी और रोटी एक साथ नहीं बनती है। तो मैं सब्जी ज़्यादातर शाम को ही काट के रख लेती हूँ। तो बस मैं सुबह के लिए काट रही हूँ शिमला मिर्च। और अभी मैं बनाऊँगी खाने में साग बनाऊँगी, हरा साग, सॉरी सरसों का साग ही निकलता है हर बार मुँह से। तो मेथी पालक का साग है ये, मैंने वॉश करके चढ़ा दिया है कुकर में। और इसमें मैंने डाल दी है 7 से 8 हरी मिर्च, जो जिसको जितना तीखा पसंद हो उतना, और नमक डालना है अपने स्वाद के अनुसार। और बस इसको कुकर में चढ़ा के उबालना होता है पहले, सबसे पहले तो ये नमक और मिर्च डाल के मैंने इसको उबाल लिया था। और इसमें 5 से 6 सीटी लगा के इसको अभी मैं घोट रही हूँ। आप चाहो तो मिक्सी में भी घोट सकते हो, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, मैं घोटने से ही घोटती हूँ। तो बस मेरा साग बन चुका है, अभी मैं इसको घोट लेती हूँ पहले तो। और मेथी पालक का ही साग है ये, तो बहुत ही जल्दी से बन जाता है। तो ये मैं अभी इसमें लगा रही हूँ आलन बोलते हैं इसको। ये आटा घोल के सरसों का, आप मक्की का आटा भी डाल सकते हो, वैसे ज़्यादातर लोग मक्की का ही आटा डालते हैं, वो अवेलेबल नहीं होता है तो बेसन भी डाल देते हैं, नहीं तो फिर गेहूं का आटा भी आप डाल सकते हो। तो मैंने अभी फ़िलहाल में गेहूं का आटा डाला है। मक्का मेरे पास है लेकिन वो मुझे सूट नहीं करता है, जलन होती है उससे, तो मैंने इसमें अभी गेहूं का ही लगाया है। और इसमें गेहूं का आलन लगा के इसको थोड़ा सा एक बार और घोट के, और अभी जितना आपको पतला चाहिए उतना पानी डाल के इसको अभी हम फिर से उबालेंगे, पकाएँगे अच्छी तरीके से। तब तक जैसे हमने वो आटा डाला है वो ना पक जाए इसमें अच्छी तरीके से। और तब तक मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर वगैरह छोक के इसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ये पीस लिया है सिलबट्टे पे, अभी मैं वो डाल दूँगी इसमें उबालने से पहले ही, ताकि इसमें ये अच्छी तरीके से उबल जाए। और ये इसी में मैंने पीस के 2 टमाटर भी डाल दिए हैं ताकि अच्छी तरीके से पक जाए, क्योंकि मैं इसमें अभी ज़्यादा छोक अभी तड़का नहीं लगाऊंगी, सुबह को अच्छी तरीके से लहसुन प्याज का तड़का लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल में मैं इसमें लगाऊंगी जीरे का तड़का। तो बस मैंने अदरक लहसुन और टमाटर इसमें पीस के डाल दिए हैं और इसको मैं अभी फिर पकाऊंगी इसको भी 10 से 15 मिनट। जितने भी अच्छे से साग पकता है उतना ही अच्छा बनता है। और आप चाहो तो इसमें तड़का लहसुन और हरी मिर्च का भी तड़का दे सकते हो साथ के साथ ही, लेकिन मैं नहीं दूंगी क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा है और गर्म भी है। तो बस अभी मैं इसमें चमचे में घी डाला है मैंने देसी घी, और इसमें जीरा डाल के बस हल्का सा तड़का दे देंगे और इसी से काफ़ी अच्छा बनता है, बहुत ही स्वाद और काफ़ी अच्छा बनता है। तो बस अभी मैं इसमें डाल रही हूँ जीरे वाला तड़का और साग हमारा बनके तैयार हो गया है। कोई तामझाम कोई झंझट नहीं होते हैं, बस हाँ ये थोड़ी सी मेहनत तो लगती है लेकिन अच्छा भी उतना ही लगता है। और अब सीजन आउट हो गया है सरसों के साग का, तो बस आज मन कर रहा था और नवरात्रि शुरू होने वाले हैं तो सोचा उससे पहले कुछ अच्छा बना लेते हैं। 2 दिनों के बाद नवरात्रि हैं, आज
28 आज 29 तारीख है, सॉरी। तो ये देखिए हमारा साग बन गया है और मैंने रोटी गेहूं की रोटी बनाई है, प्लेट लग चुकी है, आ जाइए आप भी खा लीजिए। और बस साग मेरा बन चुका है, बच्चों को मैंने डाल के दे दिया है, अभी खा रहे हैं निधि और इसके पापा और सारे साथ के साथ ही खा लेंगे। तो साग में घी भी होना बहुत जरूरी है, घी के साथ खाने का अलग ही मजा होता है। तो ये था मेरा तरीका हर साग बनाने का, सरसों का साग भी ऐसे ही बनता है, मेथी पालक का था ये साग। तो प्लीज़ बताना किस कैसा लगा मेरा तरीका और कौन किस तरीके से बनाता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। इस वीडियो का मैं हैप एंड करूँगी, मिलते हैं आपको ऐसी नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहना, मस्त रहना, बाय बाय।